दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपने बवासीर से यानी कि बवासीर के मस्सों से तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर के आई हूँ इस होम रेमेडी से यानी कि इस घरेलू नुस्खे से आपकी बवासीर के मस्से चाहे कितने भी बड़े हों या फिर छोटे हों बिल्कुल सही हो जाएंगे नुस्खा पूरा देखना वीडियो पूरा देखना इस वीडियो में मैं आपको एक नुस्खा बताऊँगी और उसके बाद मैं कुछ खाने की चीज़ें बताऊँगी ठीक है इसलिए आप थोड़ा सा परहेज भी बताऊंगी और किस टाइम इसको लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो आप वीडियो पूरी देखना तभी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर पाओगे और इसका अच्छे से आप क्या फ़ायदा ले पाओगे तो यहाँ पर सबसे पहली सामग्री जो हमें लेनी है ये है दोस्तों एलोवेरा और दोस्तों मेरे चैनल का नाम तो आप सभी लोग जान गए होंगे नम्रता भदौरिया इंडियन यूट्यूबर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए ठीक है ना और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकोगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है कोई दिक्कत नहीं है फॉलो करना बिल्कुल फ्री है तो आपको क्या करना है एक एलोवेरा का करीबन छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसमें से हमें लेना है ये जेल यानी कि पल्प एलोवेरा अपने आप में एक एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है जो कि बवासीर के मस्सों के अंदर तक जाता है और उन्हें सिकोड़ देता है जो ये बवासीर के मस्से हैं दोस्तों होते क्यों हैं इसलिए होते हैं कि हमारे पेट में कब्ज बन जाता है और जब दोस्तों पेट अच्छे से साफ़ ना हो तो इसकी क्या होती है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं किसी किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं और किसी किसी को बबा सिर हो जाता है और जब दोस्तों बबा सिर हो जाए तो उसमें भयंकर दर्द भयंकर खुजली ना तो उठने में ही मन लगता है ना बैठने में लगता है और ना ही यानी कि किसी भी तरीके से अच्छा नहीं लगता है यानी कि इतना दर्द ही रहता है तो चलिए अब इसमें जो अगली सामग्री है ये है दोस्तों कपूर ये आपको कपूर किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा जो आप अगर आपको भीम सैनी कपूर मिल जाए तो वो वाला ले लेना अदरवाइज नहीं है तो आप पूजा वाला भी कपूर ले सकते हो ठीक है मैंने बता दिया है आपको देसी कपूर होता है भीम सैनी अगर नहीं है तो आप घर में आप पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं वो वाला कपूर ले लीजिए तो करीबन आधा टिकिया आप इसमें कपूर का डाल दीजिए कपूर एक तो ठंडा होता है अगर आपके बवासीर में खुजली होती है बवासीर में दर्द होता है बवासीर में पस आता है तो आपका ये बंद करेगा अच्छा ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ चाहे फिर आपकी बवासीर यानी कि खूनी वाली हो यानी खूनी मस्से से हो या फिर आपके बवासीर बादी वाली मस्से हो दोनों में से कोई सी भी बवासीर आपकी है तो जड़ से ख़त्म कर देगा अब ये जो अगली सामग्री है ये है दोस्तों कैस्टर ऑयल यानि कि एरेंडी का तेल ये कैस्टर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर किसी भी पंसारी दुकान पर आराम से मिल जाएगा अब यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल है इसका हम करीबन चार से पाँच ड्रॉप इसमें हम डालेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना करके आपको दिखा रही हूँ तो इस तरीके से आपको चार से पाँच ड्रॉप कैस्टर ऑयल के डालने हैं ये कैस्टर ऑयल क्या करता है जो घाव होता है जो मस्से होते हैं उनको ये सुखाता है उनका सारा सूजन खींच लेता है जो फूले हुए मस्से होते हैं तो उनका सूजन पूरा खींच लेता है करके जरूर देखिएगा बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप बिल्कुल भी ना घबराएं आपको तुरंत आराम मिलेगा अगर आपके खुजली हो रही है दर्द हो रही है तुरंत आराम मिलेगा आपके दर्द को भी ये खींच लेगा ठीक है अब जो अगली सामग्री है ये है दोस्तों सेबलोन ये देखिए एक आता है सेबलोन एक आता है डेटॉल अब इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि ये हर किसी के घर में एक सीसी मिलेगी क्यों क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है हमारे शरीर के लिए तो सभी लोग अपने घर में रखते हैं कभी कोई चोट वगैरह लग जाए तो इस्तेमाल करने के लिए तो अब इसमें हम डालेंगे ये सेवलॉन डेटॉल नहीं डालना क्योंकि डेटॉल जब आप लगाओगे तो उससे जलन ज़्यादा होती है और जब आप ये सेवलॉन लगाओगे तो इससे जलन नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पे हमें सेवलोन कितना डालना है मात्र आधा टी स्पून ठीक है ना आधा टी स्पून इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ये आपके जो वबासिर के मस्सों में जो पस आ रहा है उसमें जो बैक्टीरिया हो गया है उस बैक्टीरिया को ये ख़त्म करेगा उस इन्फेक्शन को ये ख़त्म करेगा सारी स्वेलिंग को ये खींच लेगा ठीक है इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए इसी नुस्खे में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलोवेरा जेल है अब आप लोग बहुत से लोग कमेंट करोगे कि मार्केट का ले लें मैम नहीं दोस्तों मार्केट का बिल्कुल नहीं चलेगा ये शुद्ध चीज़ ही इसमें लेनी है अगर जल्दी फ़ायदा चाहते हो तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है सेवलॉन अब इसके बाद में हम डालेंगे एक पिंच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर ये क्या करता है दर्द खींचता है सूजन को ख़त्म करता है एंटीबायोटिक गुड़ एंटी फंगल गुड़ और एंटी इफ्लेमेंट्री गुड़ इसमें बहुत सारे गुड़ हैं ये हल्दी पाउडर सभी लोग जानते होंगे चोट मोच में बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है और जल्दी से आराम दिलाती है तो कहने का मतलब है कि आपके बवासीर किसी भी प्रकार के हों कितने भी पुराने हों इस नुस्खे का जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे पहले दिन से ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको मिला रही हूँ जो पल्प हमने लिया था एलोवेरा का तो इसमें थोड़ी सी फुटकी सी है ना गांठे सी हैं तो इसको थोड़ा सा हम बारीक कर लेंगे अब इतना तो मिक्सी में पिसेगा नहीं तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको ग्रेट कर सकते हो कद्दूकस कर सकते हो तो ये अच्छे से बारीक सा हो जाएगा बारीक कर लेना ठीक है ना चलिए सारी सामग्री डाल करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है अपने बवासीर के मस्सों में अब आपको क्या करना है इस मलम को ये आपकी बबासिर की मरम तैयार हो चुकी है तो आप इस मरल को बना करके किसी डिब्बी में भर करके इसको आप रख सकते हैं आप फ्रिज में रखिएगा क्योंकि एलोवेरा जो ताज़ा वाला है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये आप तीन से चार दिन तक स्टोर कर सकते हो अगर आप फ्रिज में रखोगे तो आठ दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा तो आप इसे एक बार इस मरलम को बना लीजिए बवासीर के मरसों में इस्तेमाल करिए अब आपको क्या करना है लगाने के लिए लेना है कॉटन यानी कि रुई है तो ले लीजिए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपने हाथों का इस्तेमाल करिए तो आपको क्या करना है इस तरीके से रुई ले लेना है नहीं है तो आप उंगली से भी लगा सकते हो मैं दोनों तरीका भी अभी आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे क्या करना है आप ले लीजिए रुई रुई में थोड़ा सा ये मलम लगाइए लगा करके आपके बवासिर के मसुई मस्सों पर आप इस तरीके से इस कॉटन को लगा दीजिए ठीक है।, है ये जो प्रक्रिया है आपको करना है शाम के टाइम पर क्योंकि तो शाम के टाइम पर ज़्यादातर सभी लोग घर पर रहते हैं अगर कोई ऑफिस भी जा रहा है तो शाम को बिजनेस भी कर रहा है तो शाम को सभी लोग घर आ, आ जाते हैं और जो म, जो मेरी माताएं है मैंने हैं वो आराम से दिन में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है तो इस नुस्खे को तीन से चार बार पूरे दिन में लगाइए दोस्तों तो आपको पहले दिन से ही आराम मिल जाएगा तो आप इस तरीके से कॉटन से भी कॉटन को भी लगा सकते हैं और लगा करके इसे करीबन आप इसको एक से दो घंटे तक छोड़ सकते हैं जिससे कि इसका पूरा फायदा मिल सके आपके बवासीर के मस्सों में लेकिन रुई लगाने से पहले आपको क्या करना है इस तरीके से उंगली से लेना है इस मरम को और ले करके यानि कि इस पेस्ट को और ले करके आप इस तरीके से हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से आप उस जगह पर इस मरम को क्या करिए मसाज करिए उस जगह पर यानी कि जो मस्से हैं उस जगह पर बड़े आराम से लगाइए आहिस्ता हाथों से अगर घाव ज़्यादा है तो ना करें इस तरीके से ठीक है डायरेक्ट मरलम ही लगा दें तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो क्या होगा का संचार तेज होगा जिससे कि आपके बवासीर के मस्से जल्दी ठीक होंगे तो इस तरीके से करीबन एक मिनट तक मसाज कर दीजिए इस मलम को लगाने के बाद में लगा वनी की लगा करके और इसके बाद में आप इसमें कॉटन भी लगा सकते हो और नहीं लगाना है कॉटन तो आप इसी तरीके से रख सकते हो ठीक है कॉटन लगा लोगे तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे और इससे भी कपड़े खराब नहीं होंगे क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा वैसा पेस्ट नहीं है जो कि आपका बह जाएगा या कपड़ों में लग जाएगा ठीक है तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करिए इसको लगातार आपको इस्तेमाल करना है पंद्रह से बीस दिन तक ताकि जड़ से ख़त्म हो सके अब इसके साथ साथ आपको सेवन क्या करना है इसके साथ साथ मैं आपको नींबू का सेवन करना है अगर नींबू से कोई आपको एलर्जी है तो आप नींबू नहीं खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप नींबू खाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस बवासीर में आपके मस से बिल्कुल सूख जाएंगे बिल्कुल बवासीर आपकी ख़त्म हो जाएगी यानी कि पाइल्स ख़त्म हो जाएगी अब इसके साथ साथ नींबू खाना नींबू कैसे खाना है नींबू आप चाहे तो पानी के साथ ले लीजिए या फिर आप ऐसे ही यानी नींबू को ही नींबू का रस पी चूस लीजिए या फिर आप दूसरा तरीका क्या है आप इसके साथ साथ दही भी खाइए यानी कि दही या छाछ इसको भी आप खाइए आप देखना इतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा कि मैं आपको क्या बताऊं? और अगर और जल्दी आप चाहते हैं तो और इसके साथ साथ आपको खानी है हरी सब्जियां, हरी हरी सब्जियों का सेवन करिए मूंग की दाल खाइए जिससे कि आपके पेट में कब्ज ना बने अगर आप चाहते हैं कि जीवन में दोबारा से आपके बवासिर के मत से ना हो बबासी ना हो तो आप इस तरीके से मूंग की दाल और ये सारी चीज़ों का आप सेवन करिए आपके बवासीर शीर के मस्से कभी नहीं होंगे दोबारा से बवासीर ही नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें कब्ज खत्म करती हैं तो आप इस तरीके से इस मरम को आप इस्तेमाल करिए